नमस्कार दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसकी दहशत के चर्चे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक हैं। पर्सनैलिटी ऐसी कि जैसे कोई सुपरस्टार हो। नव युवाओं का सपोर्ट इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की अब तक की लाइफ जर्नी की। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। लॉरेंस बिश्नोई की बायोग्राफी जाने उससे पहले अगर आप लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी जानकारी में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हर अपडेट आपको मिलता रहे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1992 को हुआ था। पंजाब के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस में कॉन्स्टेबल रह चुके हैं। लॉरेंस के पास 7 करोड़ की पुश्तैनी जमीन है। लॉरेंस ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अबोहर के एक स्कूल से ली और उच्च शिक्षा चंडीगढ़ के DAV पब्लिक स्कूल से ली। लॉरेंस बचपन से ही एक लड़की से बहुत प्यार करता था। दोनों ने 12वीं भी साथ साथ की थी। लॉरेंस ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जिसके बाद छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। चुनाव में लॉरेंस के सामने उदय सहपोल का गैंग था। इस चुनाव में लॉरेंस की हार हुई और इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 को लॉरेंस व उसके विरोधियों का आमना सामना हुआ। तब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। यह पहली बार था जब लॉरेंस ने बंदूक उठाई थी। माना जाता है कि दूसरे ग्रुप ने लॉरेंस की प्रियसी को आग के हवाले कर इसे घटना का रूप दे दिया और यही वो घटना थी जिसने लॉरेंस को अपराधी बनाया। यहाँ से लॉरेंस का आपराधिक जीवन शुरू हुआ। लॉरेंस पर पुलिस केस कर दिया गया। यह पहला मुकदमा था जो लॉरेंस पर दर्ज हुआ था और तब से लेकर अब तक लॉरेंस पर 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें लॉरेंस 27 मुकदमों में बरी भी हो चुका है। इससे पहले भी लॉरेंस का नाम पंजाब के कई गैंगस्टरों के साथ जुड़ता रहा है। सन 2006 में पंजाब के सुपना में DP नाम के एक शख्स की हत्या का केस दर्ज हुआ। इसी केस में रॉकी का नाम सामने आया था। लॉरेंस रॉकी का काफी करीबी था, लेकिन लॉरेंस का नाम इस केस में नहीं आया था। सन 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ लूट हुई थी। इस मामले में लॉरेंस का नाम तो सामने आया, लेकिन कोई केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद लॉरेंस ने फरवरी 2011 में साथी छात्र नेता पर हमला किया और लॉरेंस पर हत्या का मामला दर्ज हुआ। जेल जाने के बाद लॉरेंस जमानत पर रिहा हो गया, जिसके बाद लॉरेंस को पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद लॉरेंस जेल जाता रहा और जमानत पर रिहा होता रहा। 17 जनवरी 2017 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी तो लॉरेंस पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल लॉरेंस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लॉरेंस के मामा के दो बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई थी। यह हत्या रवि मसाना और हरियाणा जेल में बंद बटिंडा के हरगोविंद ने करवाई थी और लॉरेंस दोनों की हत्या करना चाहता था, जिसके लिए वो पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। लॉरेंस दिल्ली से होते हुए नेपाल गया। नेपाल में लॉरेंस ने 60 लाख के विदेशी हथियार खरीदे। लॉरेंस रवि मसाना की तलाश कर रहा था कि तभी मार्च 2015 को फाजिलका पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि लॉरेंस अगर कुछ दिन और बाहर रहता तो गैंगस्टर मसाना और हरगोविंद की हत्या हो सकती थी। वापस जेल से लौटने के बाद लॉरेंस ने अपनी ताकत बढ़ा ली। फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वो फोन का इस्तेमाल करने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस के पास जेल में 40 से ज्यादा सिम कार्ड आ गए, जिसका इस्तेमाल वो अवैध वसूली व लोगों को जान से मारने की धमकी देने में करता रहा और हत्या की सुपारी लेने लगा। अब लॉरेंस के पास विदेशी सिम कार्ड भी आ गए थे, जिनसे वो व्हाट्सएप से मैसेज करने लगा। फरीदकोट जेल से ही 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रेवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली। लॉरेंस ने फोन के जरिए डॉक्टर चांडक की कार में आग लगवा दी, जिसके बाद जोधपुर पुलिस 30 अप्रैल 2017 को प्रोडक्शन रिमांड पर लॉरेंस को जोधपुर जेल ले आई। जोधपुर ले जाने के बावजूद लॉरेंस ने अवैध वसूली का कारोबार फोन से चालू रखा। लॉरेंस ने अपनी धाक जमाने के लिए 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरजुंदर जाट व रविंद्र कालवा से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव हिंसानी की हत्या करवा दी, जिसके बाद लोग लॉरेंस को अनंतपाल गैंग का सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ने में सफल तो हो जाती, लेकिन लॉरेंस द्वारा हर बार नए लोग इकट्ठे कर लिए जाते। लॉरेंस के साथ जेल में रहने वाला हर अपराधी जब भी जेल से रिहा होता तो लॉरेंस का आदमी बनकर रिहा होता और जेल से बाहर लॉरेंस के लिए काम करता। पुराने मामलों की सुनवाई के लिए 5 जनवरी को पेशी के लिए लॉरेंस जोधपुर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान मीडिया ने लॉरेंस से मुकदमे से जुड़े सवाल किए थे।
इस दौरान लॉरेंस ने कहा कि उस पर लगे सभी आरोप गलत हैं, पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा कि पुलिस का क्या है, जो हत्या चढ़ता है उस पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगा है, कल कोई और पकड़ा जाएगा। मेरा आपराधिक मामलों से लेना देना नहीं है, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नाता रखता हूँ। जिसके बाद लॉरेंस ने कहा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, जब करूंगा तो सलमान खान को जोधपुर में मारूंगा। लॉरेंस से मिली इस धमकी के बाद जोधपुर में सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। धमकी देने के बाद लॉरेंस को भरतपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभी भी लॉरेंस भरतपुर जेल में बंद है। 23 मई 2020 को राजगढ़ SHO विष्णुदत्त बिश्नोई ने जब आत्महत्या की तो एक बार लगा कि इस आत्महत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई जिम्मेदार है। लेकिन इसके बाद लॉरेंस ने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, मगर जो भी घटना का जिम्मेदार है वो अपनी मौत की तैयारी कर ले। तो दोस्तों, यह थी लॉरेंस की अब तक की जीवन यात्रा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप इसी तरह के नए अपडेट पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।